तो आज है होली और पूरे देश में खेली जा रही है होली रंगों के साथ। बस यहाँ कुछ स्टूडेंट है वो होली तो खेल रहे हैं बट क्वेश्चन के साथ खेल रहे हैं। कुछ स्टूडेंट आएंगे, मैं आपसे बुलाऊंगा, उनको बताऊंगा ओवरऑल एनालिसिस कैसा था इसी पेपर का, तो जुड़े हैं वीडियो में। तो कौन सा सेक्शन सबसे ज़्यादा टफ लगा आपको? जीके ज़्यादा टफ लगा। ओके, 100 में कितना सॉल्व किया आपने? 88। तो ओवरऑल क्या कहना चाहेंगे, इजी था, मॉडरेट था, हार्ड था? इजी था। ओके, व्हाट अबाउट यू मैम, हाउ इज योर पेपर? नाइस था। ओके, 100 में कितना अटेम्प्ट? 92 अटेम्प्ट। 92 था। तो क्या कहना चाहेंगे, इजी, मॉडरेट, हार्ड? इजी था। ओके, थैंक यू। सो हाउ इज योर पेपर ऑफ अपर डिवीजन क्लर्क इसिक? इट वाज क्वाइट इजी। इजी, तो आउट ऑफ 100 आपने कितना अटेम्प्ट किया? 87। कुछ क्वेश्चन याद है आपको? नहीं याद है। ओके, थैंक यू। हाउ इज द पेपर? रिसिक पेपर ठीक ही था, मीडियम था। मीडियम था। ओके, तो कौन सा क्वेश्चन आपको याद है जनरल नॉलेज में, करंट अफेयर कुछ ऐसा कुछ याद है? याद नहीं है। आउट ऑफ 100 कितना सॉल्व किया आपने? आउट ऑफ 100 60। तो क्या कहना चाहेंगे, इजी था, मॉडरेट था, हार्ड था? मॉडरेट था। ओके, तो गाइज वन मोर कैंडिडेट हैज जॉइंड फॉर द रिव्यू एंड एनालिसिस ऑफ इसिक अपर डिवीजन क्लर्क, ही विल टेल एंटायर सिनेरियो। एग्जामिनेशन लेवल वाज नॉट हार्ड, बिल्कुल बिल्कुल नॉर्मल था, बिल्कुल पेपर नॉर्मल था, लेकिन एक्सपेक्टेड के अनुसार जैसे जीएस का क्वेश्चन वगैरह था ना, उसमें हिस्ट्री वगैरह का भी क्वेश्चन था। हिस्ट्री, पॉलिटी, सारा इंक्लूड कर दिया गया था, ताकि जो मतलब कुछ हुए थे ना, मतलब जो कार्यक्रम वगैरह जैसे 17 में स्टार्ट हुआ, 1917 वगैरह में, वो सब भी पूछ लिया गया था, आंदोलन वगैरह वगैरह। हाँ, और मैथमेटिक्स में तो बहुत ही सिंपल था, सिंप्लीफिकेशन था, अरिथमेटिक सेक्शन था, और एक नॉर्मल सा डीआई था, उससे बेसिस पांच क्वेश्चन थे। ओके, डीआई से भी क्वेश्चन था, पांच क्वेश्चन थे। और इंग्लिश का लेवल बहुत, स्टोरी बेस्ड कॉम्प्रिहेंशन था, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन वगैरह था। हाँ, और फिर ज़्यादा कुछ भी नहीं था उसमें। हाँ था, पारा जमल भी था लगभग, उसमें 6-7 क्वेश्चन उसमें से था, तो उससे कोई बात नहीं है। लॉजिकल रीजनिंग में अल्फा न्यूमेरिक था, सिंबल वाला जो आता है वो क्वेश्चन था, फिर एक पजल था जो कि मंथ बेसिस पे था, मतलब 4 मंथ दिए हुए थे और उनके 2 डेट दिए थे, 11 और 20, और फिर इस तरह से बताया हुआ था। और फिर सीटिंग मतलब वो था पजल, एक और था जिसमें फ्लोर बेस्ड था, 8 फ्लोर, 1-8 फ्लोर होगा। हाँ, 1-8 फ्लोर, और भी कुछ क्वेश्चंस थे नॉर्मल बस। ओके, तो क्या कहना चाहेंगे, इजी था, मॉडरेट था, हार्ड था? इजी था, और कुछ बोल सकते हैं कि जीएस वगैरह अगर इंक्लूड कर ले तो मॉडरेट था। ओके, जीएस के कारण प्रॉपर मेडरो हो गया, पूरा इजी था, नहीं तो फिर अदरवाइज इजी था। आउट ऑफ 100 हाउ मच यू हैव अटेम्प्टेड? 85। हाँ, ओके, क्योंकि जीएस सेक्शन जो हमको नहीं आ रहा था वो हम अटेंड नहीं किए। ओके, जीएस के अकॉर्डिंग आपका? हाँ, जीएस बाकी सब बहुत अच्छा। पेपर वॉज वेरी इजी। ओके, पेपर वॉज वेरी इजी। हाँ, या वेरी इजी। इन इंग्लिश देयर इज ए आरसी, और भाई तुम लोग भी आरसी, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, वन क्लोज टेस्ट, स्टोरी बेस्ड, एंड इरर 5 क्वेश्चन, देयर आर 4 ऑप्शन, फाइंडिंग विच ऑफ दिस इन 4 ऑप्शन आर करेक्ट, एंड और क्या था आपका, जनरल अवेयरनेस में थोड़ा पॉलिटी का क्वेश्चन था, कॉन्स्टिट्यूशन कब अडॉप्ट हुआ, हाँ, इन चारों में से इस दिन, फिर से 2 दिन आया था इंटरनेशनल डे ऑफ एजुकेशन, हाँ, और एक ठो आया था आपका उड़ान से रिलेटेड आया था, UDAN, किस उदय योजना, किस से रिलेटेड, हाँ, नया सवेरा एक एजुकेशन से रिलेटेड था। मैथमेटिक्स वेरी इजी, 2-3 क्लास क्वेश्चन, सिंप्लीफिकेशन वेरी इजी, हाँ, मिसलेनियस वाज इजी, हाँ, देयर इज वन क्वेश्चन बॉटनी विच मे बी मॉडरेट, बट इफ यू गो विद द ऑप्शन देन यू कैन, ऑप्शन वाइज देयर इज अ लॉट ऑफ टाइम। ठीक, हाउ मच यू हैव अटेम्प्टेड आउट ऑफ 100? ये जीएस का सवाल मॉडरेट था, हाँ, करंट अफेयर सब दिसंबर और जनवरी से था, दिसंबर जनवरी से था और कुछ नवंबर के भी थे, जिसमें से जीएस में ज़्यादा पूछा गया, मतलब ज़्यादा टफ नहीं था और ज़्यादा आसान भी नहीं कहेंगे, इसमें पूछा गया था कि झूम खेती कहाँ पे होता है, हाँ, झूम खेती कहाँ पे किया गया था, वो स्टेट हमको तो कंफर्म नहीं पता है, हम इसको स्किप कर दिए हैं,
और फिर सबसे ज्यादा जंगल कहाँ पे है? मध्य प्रदेश। हाँ हाँ कवर फोर, तो वो मध्य प्रदेश था। बाकी मैथ का सवाल तो इजी पेपर था, बस एक सवाल हमें लगा कि थोड़ा टफ, मतलब टफ नहीं था वो, कैलकुलेटिव था। बाकी पेपर डिसाइड करेगा वो रीजनिंग, जो जितना रीजनिंग बनाया है रीजनिंग ही पेपर डिसाइड करेगा, क्योंकि टाइम टेकन वही था। हाँ टाइम टेकन वही था, बाकी सब मॉडरेट लेवल का था। मैंने 83 किया, अब हाँ 83 किया। बाकी नहीं, इजी नहीं था, मॉडरेट बोल सकते इसको। हाँ टफ नहीं था लेकिन।